भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है। शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। कह रहा हूं कि अगर मैं सच के साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं, तो ये असत्य लोग, ये जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, ये मुझे नहीं हरा पाएंगे। भोजपुरी में अमन के पलले हैं कि बेटा खाना खैला है, निरहुआ के देखला है, ता भोजपुरी भाषा में हमन पैदा भेल इंजा हमन का कर्तव्य है कि अपने भाषा के लिए हमन काम कैल जा। दुनिया में हम कहीं जाइला एक बात कहिला, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतियाइया भोजपुरी में। दुनिया में जब सबकर विकास होत बा, हर भाषा का तूती बोलत बा, तो भोजपुरी का भी डंका बजे के चाही कि ना बजे के चाही ना। हाँ, तो भोजपुरी का डंका बजी कब? अगर तोहन लोग सुना गलत फहमी में पढ़ के, और अगर अखिलेश भैया के जितैबा लोग, तो जीतले के बाद वो इटावा और मैनपुरी के बात करी। हाँ, अगर निरहुआ जीती तो आजमगढ़ और भोजपुरी का बात करी। वो जितना बार आवल हमार बड़का भैया अखिलेश यादव जी, उतना बार तोहन लोग के भूलवावल, झूठ बोलल। इटावा भी मेरा घर है, आजमगढ़ भी मेरा घर है। तनी उनसे पूछिया लोग कि अगर आजमगढ़ को अपना घर समझते हैं आप, तो सिर्फ जीतने के लिए क्यों आते हैं? जीतले के बाद याद ना आवेले? जब जीते के होला तो आजमगढ़ याद आवेला, और जब बनावे के होला तो इटावा याद आवेला। तो तू झूठ बोलेला, मीठ मीठ बतियौले से काम ना चली, काम दिखावे के पड़ी। और ए बार आजमगढ़ इतिहास लिखे के तैयार हवा लोग, एक बार सबके वो हाथ उठा के बतावा, आजमगढ़ के बार इतिहास लिखे के हा? और बहुत हो गल कि भैया दे दा, भैया दे दा, भैया दे दा, ना। आजमगढ़ का जोन हक है, जोन अधिकार है, वो मंगले ना मिली, छीने के पड़ी। और यही खातिर अमन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी निरहुआ के भेजले हुआ आजमगढ़, कि निरहुआ आजमगढ़ वालों को बता दो, सिमटी बाहों को खोल आजमगढ़, उड़ने का जब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। जो आजमगढ़ का हक है, अधिकार है, छीन लेंगे, छीने खातिर तैयार हो लोग? हाँ, तो एकदम तैयार हो जा। वैसे एक बात ही जान ला लोग कि जो गठबंधन के लोग हवा, चुनाव से पहले ही 6 दिन पहले हार मान लेला। ये बात पता कि ना तो लोग के पता है ना? क्रिकेट खेला ला लोग, क्रिकेट, क्रिकेटवा में 2 पार्टी रह ले, तो जो हारे लगे ले वो मारे लगे ले, है ना? तो अब गठबंधन के लोग जब जान गए ना कि कहो भैया हमान तो ऊपर हाथ मिला ले ली जा, आई नीचवा जो के वो टवा देवे के आई कुल तो मिलता ना हुआ, ये तो कुल निरहुआ के साथे हो गई ना। तो घबरा घबरा के और जाके कहीं दलित बस्ती में, कहीं चौहान बस्ती में हमला करत हुआ, बंदूक दिखावत हुआ, और बंदूक दिखा के
कहतुआ कि आई झंडा उतारा, लेकिन बस एक बात बोला थी, एक बात कुछ ना, एक बात बता दिया कि अब तो हम लोग का गुंडई ना चली। काहे महाराज जी हमके यही से भेजले वहां आजमगढ़ कि फिलिमिया में बड़ा गुंडन का इलाज कैला, अब तनी है आजमगढ़ में गुंडन का इलाज करे के हा। तो तुम लोग जानत हुआ ना, जब हम फिलिमिया में गुंडा लोग के छोड़बे न करीला तो घरवा छोड़बो, डंट के बूथ पे खड़ा हो जाइया लोग 12 तारीख के, और खाली अपन वोट दे के अपन जिम्मेदारी खत्म मत समझिया। जब तक एक एक वोट ना पड़ जाए तब तक बूथ पर खड़ा रहे के है। काहे काहे कि 12 तारीख के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। बस ज्यादा कुछ ना बोला, बाकी तो रोज तो हम लोग के गहुआ में आके बोलता है, सुन ले ही हवा लोग, बस इतने करिया लोग कि अपन फर्ज निभा दिया लोग, केहू को सुन के ना, सिर्फ अपने दिल को सुन के। अगर सबके लगा था, पूरा देश चाह था, वह आजमगढ़ चाह था, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आखिरी, राजा बाबू दखले वाले लोग के दखले हाथ उठा के बतावा। तो राजा बाबू में रवि किशन भैया हमसे सवाल पूछल, आज हम एक सवाल पूछा था तो हम लोग से, अगर सही जवाब देवा तो इनाम भी मिली, ठीक है। सिर्फ एक सवाल सब क्यों हाथ उठा के बताई, 2019 में के बने के चाहिए भारत का प्रधानमंत्री? एकदम सही, तोहन लोग का जवाब एकदम सही है, और तोहन लोग के इनाम मिला था ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगन के, और एक बार फिर से हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करत हैं। अच्छा गाना, ओके ओके, हाँ अरे हम तो भुला ही गई लिया, अरे बाप रे बाप। सुना लोग, बहनी लोग, चाची लोग, तोनो लोग कभी घाम में गैल लिए जा अन्नी रहुआ खाली भाषण दे देला सा, तो एक लाइन गावत है तोहनो लोग जइया बूथवा पर तक गावत जइया कि चलाए सखी वोट देवे, चलाए बहनी वोट देवे, अरे चलाओ भैया वोट देवे, कमल निशान पे चलाए बहनी वोट देवे, कमल निशान पे चला हो सखी वोट देवे। बोला भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। ये देश नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, घर में घुस के मारेंगे, तैयार हैं, तैयार है तो घर में घुस के मारेंगे, तैयार हैं, गर्व से कहो हां हम भारत के चौकीदार हैं। और मैंने जो निवेदन किया था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, उसको उन्होंने तुरंत सुन लिया था और कार्रवाई कर दिया था। आप लोगों ने सुना था वो गाना, अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी, सिखा दा मोदी जी सबक, सिखा दा मोदी जी तिरंगा, तिरंगा लाहौर में अब चल के तू फहरा द मोदी जी, सूतल जबले शेर रहे तबले गीदड़ ललकारे, और लाखों गीदड़ भागे ले जब शेर झपट्टा मारे,
तो पाकिस्तान के अब वो करे औकात, बता दो मोदी जी अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दो मोदी जी। एक बार आप लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, भारत माता की। फिर एक बार मोदी है तो फिर एक बार भारत माता की। आगे की अभी टाइम है। गांव गांव में हम आजकल एक और गाना सुनावत हैं, जहां जाते हैं वहां कि करिया सोच के मत दनवो आजमगढ़ के लोग सुन ला पूरे देश के लोग, और अगर गलती कैला लो तो देशवा बेच दी है बेईमानवा, सुना देश के लोग। भैया हो ई गठबंधन काहे खातिर बनौले हवा लोग, एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रोके खातिर के, जोने दिन ए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनला वह दिन वह कह देना कि न लूटब न लूट है। बस अब इन लोग के पेट में बाई न धले आ, ई कैसन प्रधानमंत्री न लूटत बाण न लूटे देत बाण, तो ई कुल आपस में ठगबंधन बना लेला कि लूटे के है तो एक साथे मिल के और ईमानदार प्रधानमंत्री को रोकल जा, तो हम लोग रोके देबा हो काहे कि देश से बढ़ के कुछ ना होला, सब बाटे बेकार। हमारे भैया लोग के हित में, हमारे बहिनी लोग के हित में, जवानन के हित में, किसानन के हित में, एक बार फिर से मोदी सरकार। अब क्यों पूछी कि काहे कमल का बटन दबावत हुआ लोग, तो कह दिया कि निरहुआ कैले बायला नावा, सुना गांव के लोग, बोला भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।